हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो की थी मिशेल ने पस सेल्स से, और उसको नाम दिया था उसने न्यूक्लिन। तो फिर उसको अल्टमा ने नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड 1899 के अंदर। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पर इनकी जो कॉमन स्ट्रक्चर है इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनके अंदर थ्री कंपोनेंट हो सकते हैं, बेस नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड शुगर के मॉलिक्यूल्स। शुगर दो तरह की हो सकती है, तो राइबोज शुगर हो सकती है और डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। राइबोज शुगर हमारे मिलेगी आरएनए में और डी ऑक्सी मिलेगी डीएनए में। जो बेस हैं ये फिर दो तरह के हो सकते हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरीन के टू टाइप हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन, और थाइमिन के थाइमिन पिरिमिडिन हो गया थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिन। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। देखते हैं आगे, तो सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड यानी कि एक फॉस्फेट के साथ में ऑक्सीजन और थ्री ओ एच ग्रुप जुड़े हुए हैं। शुगर की बात करी तो शुगर में इसमें जो रिंग होती है वो होती है फ्यूरिनोज रिंग होती है। दूसरा ये बीटा फॉर्म होती है, इसका मतलब इसका जो तो सी वन कार्बन है इस पर जो ओ एच है वो अपर साइड में लगा होगा, यदि नीचे लगा होता है तो अल्फा बोलते हैं, ऊपर लगा है इसलिए बीटा। तो डी राइबो शुगर यानी कि बीटा डी राइबो फ्यूरिनोज, और सेकेंड वाली जो कि डी ऑक्सी राइबो शुगर बोलते हैं इसमें भी फ्यूरिनोज रिंग ही होती है। सी वन पर जो ओ एच है वो बीटा फॉर्म में होता है, लेकिन जो सेकेंड नंबर कार्बन है यहां पर OH की बजाय H लगा होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पर H लगा हुआ है, यही बेसिक डिफरेंस होता है डीऑक्सी राइबो शुगर में और राइबो शुगर के अंदर। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो शुगर के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। शुगर के मॉलिक्यूल में देखिए, यदि हम कार्बन की बात करें तो ये सी वन सी टू सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव। ये जो फाइव नंबर वाला OH है ये, और ये थर्ड नंबर वाला OH है ये इस फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होगी फॉस्फेट्स के साथ में, या तो वो थ्री के साथ हो सकती है या वो फाइव के साथ हो सकती है इस तरह से, और इसी के आधार पर हम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड बनाते हैं, वो कुछ इसी तरह से बनाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 नंबर और 5 नंबर पर तो ऐड होता है आपका फॉस्फेट, और जो 1 नंबर है कार्बन इस पर नाइट्रोजनस बेस ऐड हो सकता है, वो प्यूरीन हो सकता है, वो पाइरिमिडिन हो सकता है। प्यूरीन और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर देखिए, इसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिरिमिडिन की रिंग है वो 6 मेंबर रिंग होती है, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है और टोटल 6 नंबर है इसके अंदर, जबकि प्यूरिन की बात करेंगे तो 9 मेंबर्ड रिंग होती है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है 1, 2, 3 एंड 4 4 नाइट्रोजन होते हैं। स्पेसिफिक बात इसकी कि पिरिमिडिन का जो 1 नंबर नाइट्रोजन है ये शुगर के मॉलिक्यूल के C1 से बॉन्डिंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि यहां पर बात करेंगे जो ये 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है ये C1 कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जो है उससे बाइंडिंग करता है। अब बात करते हैं टाइप्स के इनके, जो पिरिमिडिन है पिरिमिडिन में आपके आप गया हो गया यूरेसिन थाइमिन और साइटोसिन।
तो इनको लर्न करने का तरीका होगा, आप इसका नाम ऐसे याद करें, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन, यूरिसिल का दूसरा नाम 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। और यदि यहां पर 5 पर मिथाइल ऐड कर दें तो ये हो जाएगा थाइमिन, तो थाइमिन का नाम है 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। यहां आप सिंपल भाषा में 5-methyl-uracil। तो देखो यूरेसिल में और थाइमिन में सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है। यदि थाइमिन का डी मिथाइलेशन कर दें, मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाए, तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये बात। और अगर साइटोसिन की बात करें तो ये हो जाएगा 2-oxy-4-amino pyrimidine। इसमें एक बात और आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड ओ मिल रहे हैं, ऑक्सी फॉर्म मिल रहे हैं, वो जो है ये टॉटोमराइजेशन शो करेंगे कीटो एंड इनॉल फॉर्म का। और जिनके अंदर अमीनो ग्रुप मिलेगा वो इमिनो एंड एमिनो में ट्रांजिशन शो करेंगे। हम टोटोमराइजेशन बोलते हैं इसको, टोटोमराइजेशन जो कीटो और इनॉल फॉर्म, इसको लैक्टम और लैक्टिम फॉर्म भी बोलते हैं। तो जिनके अंदर ऑक्सी ग्रुप है वो कीटो और इनॉल फॉर्म शो करेंगे, और जिसके अंदर अमीनो फॉर्म है वो इमिनो फॉर्म का टोटोमराइजेशन शो करेंगे। पिरिमिडिन की रिंग, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये इमिडाजोल स्ट्रक्चर होती है। अब एडिनिन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6-amino purine, 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। और ग्वानिन की बात करेंगे तो 2-amino 6-oxo प्यूरिन। अगर आप इनको नाम से याद करेंगे इस तरह से तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब जो बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर, देखिए बेसिस है प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन दो तरह का, एडिनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन तीन तरह का, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिन। अब जो न्यूक्लियोसाइड है इसका मतलब हुआ बेस प्लस सुगर। जब बेस और सुगर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करते हैं तब जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में बोलने का तरीका होगा जैसे एडिनिन का है तो एडिनोसिन, डीऑक्सीएडिनोसिन। यदि हम ग्वानिन की बात करेंगे तो ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सीग्वानोसिन इन केस ऑफ डीएनए। पिरिमिडिन में साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन, और थायमिन में थायमिडीन और डीऑक्सीथायमिडीन, और ये सिलका यूरिडीन। अब यदि न्यूक्लियोटाइड अगर बोला है मैंने, इसका मतलब इसके अंदर बेस होगा, सुगर होगा और फॉस्फेट तीनों होगा, यानी कि ये एएमपी हो सकता है, ये जीएमपी हो सकता है, ये टीएमपी हो सकता है। और इसको बोलने का तरीका होगा एडिनाइलेट, ग्वानालेट, साइटिडाइलेट, थाइमिडाइलेट एंड यूरिडाइलेट। और अब इनके जो पॉलीमर हैं ये होंगे डीएनए या आरएनए। यदि हम डीऑक्सी वर्ड लगा रहे हैं तो वो होगा आपका डीएनए, और जनरल हम बोल रहे हैं एडिनाइलेट, इसका मतलब ये होगा आरएनए। डीएनए में हमेशा आपको डीऑक्सी वर्ड लगा हुआ मिलेगा, जबकि जनरल हमने कहा एडिनोसिन तो ये होगा आरएनए के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अगर हम बात करें देखिए इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बेस, सुगर और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है बेस एंड सुगर। यदि मैं सिर्फ इस पिंक कलर वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही फॉस्फेट ऐड हो गया तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हो सकता है और
राइबोन्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि शुगर के मॉलिक्यूल कौन से हैं। देखिए यहां पर सेकेंड नंबर पर OH एब्सेंट है, तो ये डीऑक्सी हो जाएगा। इस केस में देखते हैं यहां पर सेकेंड पर OH प्रेजेंट है, यानी कि ये राइबो शुगर होगी आरएनए के लिए, यानी कि इनको हमने बोल दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड। बेस और शुगर यानी कि न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर और फॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड, और यदि यहां सेकेंड नंबर पर OH प्रेजेंट है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और यदि एब्सेंट है तो डीऑक्सी। इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है। डीएनए की स्ट्रक्चर में शुगर मॉलिक्यूल, इसके साथ में नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब ये थ्री और फाइव कार्बन आपस में फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू इस तरह से चेन चलती है, और ये एंटी पैरेलल होता है। डीएनए के केस में ऐसी दो चेन होगी, एक अगर इधर फाइव प्राइम है तो सामने वाले में थ्री प्राइम चलेगा और एक चेन चलेगी। आरएनए के केस में सेम है, आरएनए में सिंगल चेन चलती है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर OH प्रेजेंट है, यानी कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है सिर्फ इसका डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। दूसरा, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई, जिसमें दो अलग अलग जो पॉलीमर हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, एच बॉन्डिंग द्वारा पेयरिंग करते हैं। ए हमेशा टी के साथ दो एच बॉन्ड शो करता है, और जी हमेशा सी के साथ थ्री एच बॉन्ड शो करता है। ये एच बॉन्डिंग है, ध्यान रखने का, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, एच बॉन्डिंग है। और ये एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि इधर एक तरफ फाइव है तो दूसरी तरफ थ्री प्राइम होगा, इधर थ्री प्राइम है नीचे तो इधर फाइव प्राइम होगा, और इनके बीच में इस तरह से एच बॉन्डिंग होती है। इस तरह से ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दो ग्रूव मिलेगी, ग्रूव का मतलब दो खांचे मिलती है, माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव। डीएनए की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, और करीबन ये 36 एंगस्ट्रॉम का इसका एक हेलिक्स होता है। इनके अंदर करीब 10 बेसेस लगे होते हैं, और इन बेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक वर्ड और आता है सिन एंड एंटी, इसका क्या मतलब हुआ? यदि हम सिन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसके साथ में जो आपका बेस लगा हुआ है इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यदि ये अपोजिट हो इसके तो इसे बोलते हैं एंटी। जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लिखा मिलेगा सिन एडिनोसिन और एंटी एडिनोसिन, तो ये इस बेस की पोजीशन के आधार पर बताया गया है कि ये किस तरफ लगा हुआ है, सिन लगा हुआ है या एंटी लगा हुआ है। डीएनए के डिफरेंट टाइप होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, कुछ बुक्स में सी फॉर्म भी मिलेगी, एच फॉर्म भी मिलेगी। जो नॉर्मल डीएनए बढ़ते हैं वो होती है बी फॉर्म, और ये होता है राइट हैंडेड। इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसमें जो बेस पर टर्न ऑफ हेलिक्स होता है वो होता है 10.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इन दोनों जो बेसेस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये थ्री जो स्टेप्स हैं, ये जो बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए फॉर्म की बात करेंगे तो उसके अंदर 11 बेस पेयर्स होते हैं और जेड के अंदर होंगे 12। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है।